अच्छा जी यहाँ फ्रिटर्स की तैयारी हो रही है, हो चुकी है। मैंने इसमें अब उस बैटर में सिर्फ और सिर्फ ओरिगानो डाला है, एक चाय का चमचा जो आपके पास लिखी हुई है, और अब मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। अच्छा ये मैंने साबुत इसलिए छोड़ दी है कि ये है जुकीनी, ये आप लोगों को पता है कि जुकीनी फ्रिटर्स भी मैंने आप लोगों को सिखाए हैं, तो ये मैं साथ में फ्राई कर रही हूँ। साथ में ये आप लोगों को कुछ ना कुछ रोज़ाना नई टेक्निक्स आती रहती हैं मेरे प्रोग्राम में, तो आज देखें इस तरह से फ्राई कर रही हूँ। तो जब आप घर में इस तरह फ्राई करेंगी तो आपकी लेबर जो है वो बहुत कम हो जाती है। अच्छा इसके अलावा मैं जल्दी से बता देती हूँ क्या क्या मिक्स करने जा रही हूँ। मेरे पास है मेयो, और मेयोनीज ले लें आधा कप, दो अदद हैं गाजरें, और इसमें मैं शामिल कर रही हूँ दो अदद गाजरें, मेरा बड़ा वाला स्पून के थे गया, ओके दो अदद गाजरें हैं, एक बड़े साइज की प्याज है जिसे स्लाइस करके रखा है, एक है मेरे पास कैप्सिकम, और एक चौथाई मैंने ली हुई है गोभी, ठीक है जी बंद गोभी। अच्छा मेयो में क्या मिला रही हूँ, आधा कप मेयो है, मेयोनीज, दो टेबलस्पून वाइट विनेगर है इसमें, ये शामिल करूँगी मैं। इसके अलावा एक चाय के चमचे के बराबर है मस्टर्ड, फ्रेंच मस्टर्ड, कंपनी का नाम नहीं है ये मस्टर्ड का नाम है फ्रेंच मस्टर्ड, एक चाय के चमचे के बराबर आएगा इसमें, ये आ गया जी। और सब चीज़ों को करना है मिक्स मिक्स, ध्यान भी रखना है, सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। मेरा फेटू इंस्टेंट वॉशिंग ये भी सीख लें, ये टीवी शो करने वालों को बहुत हेल्प करती हैं चीज़ें, जिस तरह मैं सिखा रही होती हूँ तो वो उसे फॉलो करते हैं। सारी चीज़ें मिक्स मिक्स बहुत ही अच्छी तरह, खाली पड़ा है पैन इसे डाल देते हैं, और इसमें अब ये सारी सब्जियां जो मैंने आपको बताई हैं, गाजर है, शिमला मिर्च है, बंद गोभी है और प्याज है, ये सारी चीज़ें मैं डाल दूंगी इसके अंदर और इसको मिक्स करूंगी। गाजर डालेंगे, अभी रोक रही हूँ मैं, देख लेती हूँ कि कितना जा रहा है, तो उसके बाद ही इसमें, अभी नहीं हुआ। और जी प्याज, बंद गोभी जो है उसको मैंने अभी काटना है, शिमला मिर्च एक छोटे साइज की है उसको इस तरह से लंबाई में काट लें, थोड़ी सी बंद गोभी है लेकिन मैं अभी बंद गोभी डालने वाली हूँ। अच्छा चिली सॉस भी मैंने रखा हुआ है, तो चिली सॉस जो है वो ऑप्शनल है, अगर आप करना चाहें गैजेट को इस्तेमाल करते हैं और इसका यूज़ भी आपको पता चल जाए, लेकिन बहुत एहतियात के साथ क्योंकि इसका ब्लेड बहुत ही शार्प होता है। बाकी बच गई है तो नाइफ के साथ थोड़ा सा इसको काटा जा सकता। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने फ्रिटर्स को कर लिया है तैयार, जुकीनी एंड ऑबरजीन। अच्छा जी अब आ गई है बारी असेंबलिंग की, तो असेंबलिंग के लिए इसके लिए आपको ये देखिए मैंने जो ये कैबेज और कैरेट्स सब मिक्स की थी मेयो में, वो मैंने इसमें स्लाइस में लगा दी, ठीक है इस तरह से। अच्छा एक काम और क्या करेंगे, बहुत ही प्यारा सा बता रही हूँ, ऐसे कई दफ़ा बताया है लेकिन उन लोगों के लिए कि जिन्हें याद ना हो, चीज़ स्लाइस, इसके अलावा चीज़ स्लाइस जा रहा है अवन में भी, तो ये मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह से आप इसको करेंगे मेल्ट। और जी यहाँ पे ये मेल्ट हो रहा है, ठीक है। अच्छा अब इसको मैंने मेरा स्पून, ओके इस तरह से हमने कर लिया। अच्छा अब इस पे मैंने वो पैटी जो कि ये बन रहा है यहाँ पर ये रखना है। देखें जी मैं प्रेजेंटेशन दो तरह से दे रही हूँ, आप जैसे चाहें जो आपको पसंद आती हो, या सब लोगों को अलग अलग तरह से दे दें। ये सैंडविच जो है इटसेल्फ बहुत ही फिलिंग वाला सैंडविच है। अच्छा जी अब देख रहे हैं जी आप मेल्टेड चीज़, इसमें थोड़ा नहीं हो पाया था क्योंकि ये ज़रा ज़ाहिर है चूल्हे पे रखा हुआ था, लेकिन ओवन में इमीडिएटली हो गया। थोड़ा सा इसको ब्रेक कर दें तो बहुत ही अच्छा है, तो ये सारे में आ जाएगा। अच्छा थोड़ा सा लेटस, चॉप किया हुआ लेटस डाल के ज़रूर दें, क्योंकि इससे यह कि थोड़ा बहुत तो आपको ग्रीन का पार्ट मिल जाता है। चिली सॉस अपनी मर्ज़ी से डालें जितना डालना चाहते हो, और उसके बाद इसको क्लोज कर दें।
और इसको अब, और आप देखेंगे क्या सैंडविच पे खूबसूरती आई है। सैंडविचेस को भी बनाकर प्रेजेंट करना, उसको किस तरह से सर्व करना है, ये भी बाकायदा क्लासेस होती हैं इसकी, पता है आपको। और ये सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह हुई हुई हैं, सारी डिज़ाइनिंग कैसे होती है। अभी तो हमारे प्रोग्राम में ये सारी चीज़ें नहीं आई हैं, मेरे प्रोग्राम में भी ये डिस्कार्ड करी, बट इसको डिस्कार्ड नहीं कीजिएगा। इसको मैंने आपको बताया हुआ क्रोटोन्स जो हैं आप इसके बना सकते हैं। अच्छा, अब बारी है फ्रिटर्स के रखने की। मिला जुला के फ्रिटर्स दीजिए, कुछ आ गए आपके ओबरजीन के और कुछ जुकीनी के। चलें जी, और बहुत प्यारी चीजें बनी हैं। ये कंप्लीट मील है, बच्चों को निहायत खुश करने वाला और बड़ों को उससे भी ज़्यादा खुश करने वाला, और हस्बैंड्स को बहुत खुश करने वाला, कहेंगे चलो जी बीवी तुमने कुछ कर दिखाया। अच्छा, अब इसमें कहने को बना है सैंडविच। कहते हैं कि ये फास्ट फूड है, आपको पता है फास्ट फूड के लिए भी कितना ज़्यादा काम करना पड़ता है। अच्छा, थोड़ा सा चिली सॉस मैं डालने वाली हूँ जो फ्रिटर्स हैं उनके ऊपर, ये भी डाल के दें तो इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएगा। अगर बच्चे खा सकते हैं, ऐसे तो चिली सॉस कहा जाता है, चिली सॉस पर इतने हॉट नहीं होते, लेकिन इम्पोर्टेड जो है वो बहुत हॉट होते हैं। मैं इम्पोर्टेड हमेशा इम्पोर्टेड ही इस्तेमाल करती हूँ। अच्छा जी, मैं ज़रा साइड पे ला रही हूँ अभी, पहले मैं यहाँ से थोड़ा सा साफ़ कर लूँ। सारी सफाई कर रही होती, बस पोछा लगना रह जाता है यहाँ पे। चले भाई, दोनों तरह की प्रेजेंटेशन देख लें, किस तरह की प्लेट मैंने इस्तेमाल की है और किस तरह की प्लेट में मैंने किस तरह से प्रेजेंटेशन दी है। हाय, बहुत ही प्यारी रेसिपी है, 5 लोगों ने कहा। इस बहुत ही प्यारी रेसिपी का आप सब लोग देखेंगे बहुत ही लंबा सा रेसिपी कार्ड। चलें जी, रेसिपी कार्ड आ चुका है राहत के किचन में वेजिटेबल क्लब सैंडविच। इसको बनाने के लिए क्या चीज़ें आपको चाहिए उसे झटपट लिखेंगे। इसके लिए आपको चाहिए होंगे आलू, सॉरी मैं तो पहले आलू बता रही हूँ, आलू कहाँ से आ गए। आपको चाहिए होगी कैबेज हसबे ज़रूरत, जैसे मैंने आपको बता दिया है, ज़बानी भी बता दिए, देख लीजिएगा कितनी उसे मिक्स होती है। इसके अलावा आपको चाहिए होगी गाजरें मीडियम साइज़ की 2 अदद, प्याज 1 अदद, कैप्सिकम छोटे साइज़ की है 1 अदद, सलाद पत्ता या लेटस लीव्स हैं हसबे ज़रूरत। मेयोनीज़ आपको चाहिए 1/2 कप, विनेगर इसमें सफ़ेद सिरका डाला गया है 2 टेबल स्पून, मस्टर्ड पेस्ट है 1 चाय का चम्मच, चीज़ स्लाइसेस हसबे ज़रूरत, जितने सैंडविच बनेंगे उतने चीज़ स्लाइसेस आपको चाहिए, और ब्रेड स्लाइसेस भी आपको चाहिए होंगे हसबे ज़रूरत। पोटैटो कटलेट्स बनाने के लिए आपको चाहिए होंगे 500 ग्राम आलू, उबाल लीजिए इनको और उनको मैश कर लीजिए, हाथ से कर लें तो बेहतर है, हाथ जलेंगे मज़ा आएगा। उसी टाइम पे सॉल्ट और पेपर डालें। कुकिंग ऑयल आपको चाहिए होगा 1 से 2 टेबल स्पून, जिसमें कि मैंने प्याज को फ्राई किया 1 अदद प्याज चाहिए आपको। चिली पाउडर 1/2 चाय का चम्मच, नमक हसबे ज़ायका, हरा धनिया बहुत थोड़ा सा डाला गया है इसमें, और 2 हरी मिर्चें हैं, और ब्रेड क्रम्स मैंने इसके ऊपर कोटिंग के लिए इस्तेमाल किया, और कुकिंग ऑयल को इस्तेमाल किया है इसको फ्राई करने के लिए। इसके अलावा हमने कुछ भी नहीं लगाया स्लाइसेस पे, बहुत ही थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगाया था, उसके साथ मैंने स्लाइसेस को टोस्ट कर लिया। सारा मेथड आप लोगों ने देखा है, दिमाग की बत्ती खुल गई होगी कि सैंडविच को ऐसे बनाया जाए तो सैंडविच बनता है बहुत ही मज़ेदार, बड़ा ही प्रोफेशनल। और जनाब, राहत के किचन में आ चुका है छुट्टी दा टाइम, तो आपसे मिलेंगे कल किस चीज़ के साथ, बहुत प्यारी चीज़ के साथ, शायद कि वो आपकी फरमाइश हो और वो मेरा दिल भी हो, तो इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे कल। अल्लाह हाफिज़।